चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स भाई 2020 जो था वो बड़ा स्ट्रेंज सा ईयर था जहां पर ये क्वालिफाई किए नहीं, पहली बार इस टीम के इतिहास में ऐसा हुआ। लेकिन अब क्या कुछ अलग कर पाएंगे, क्या वापस इन किंग्स को विंग्स लग जाएंगे, क्या ये फिर उड़ेंगे, कैसा रहेगा इनका सीजन, क्या चुनौतियां रहने वाली हैं, क्योंकि पहले मैच 5 होने वाले मुंबई में, फिर जाएंगे दिल्ली, वहां से पहुंचेंगे बेंगलुरु कोलकाता, तो ये कई जगह हर जगह समीकरण बदलने वाला है। जो टीम पिक की है क्या वो चेन्नई के अंदाज से की थी, क्या वो जो स्पिन हैवी और जो ऑक्शन में बड़े जो बायर्स थे, वॉज इट कीपिंग इन माइंड दैट दे आर गोइंग टू प्ले इन चेन्नई, इज इट गोइंग टू बैक फायर, हाउ आर दे गोइंग टू फायर, यही तो हमने आज करनी है बात। और रविचंद्रन अश्विन, क्या उनका नाम अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में आ जाना चाहिए, क्या उनको 11 में खिलाना चाहिए, दैट्स द बर्निंग डिबेट। ओपन माइक पे ये डिस्कस करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हु वाज द लास्ट इंडियन टू स्कोर 1000 रन्स, टेक 50 विकेट्स एंड 50 कैचेस इन ओडीआई क्रिकेट, कौन सा था वो भारतीय खिलाड़ी जिसने, आखिरी भारतीय खिलाड़ी जिसने 1000 रन, 50 विकेट और 50 कैचेस पकड़े हैं। ट्रिविया का जवाब बाद में मिलेगा। हैशटैग आकाशवाणी। अब मतलब आप कहानी जो है वो थोड़ी सी आईपीएल का रुख ऑलरेडी कर चुकी है, हर टीम का एक एक करके हमने एनालिसिस करना है थोड़ा सा कि कैसे कैसे कहां कहां जाने, क्योंकि इस बार समीकरण बदला हुआ है। और लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि पहले क्या था कि जब आप दुबई शारजा अबू धाबी में थे तो यू नो कि तीन मैदानों पर कोई एक आपका होम ग्राउंड होता था, आप ज्यादा मैच खेलते थे, एंड यू नो प्रीटी मच नो कि वहां पे किसका लाभ होने वाला है। यहां पर 6-6 तो मैदान है, चेन्नई सुपर किंग्स तो 4-4 मैदानों पर खेलेगी और शुरुआत करेंगे वानखेड़े स्टेडियम में, दिल्ली में जाएंगे, ये कोलकाता में खेलेंगे, ये बेंगलुरु में भी खेलेंगे, तो ये तो 4 मैदानों पर खेलने वाली टीम है। और टीम की अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करें, मुंबई जैसे और शुरुआत की बात कर लेते हैं ना कि शुरुआत करनी है मुंबई में, अब मुंबई में अगर 5 मुकाबले हैं तो मुंबई में पेस जो है वो ज्यादा चलती है, 70% विकेट जो है वो पेस बोलर्स चटकाते हैं और स्पिनर्स का काम ज्यादा रहता नहीं। चेन्नई इज अ स्लाइटली स्पिन हैवी टीम, ये बात तो आप भी मानेंगे, इनके पास करण शर्मा है, इमरान ताहिर है, रविंद्र जाडेजा है, मिचेल सैंटनर है, मोइन अली को इन्होंने लिया है, कृष्णप्पा गौतम को इन्होंने लिया है, तो इनकी जो स्पिन की जो फेरिस्त है ना वो अभी भी काफी लंबी है। हालांकि इन्होंने चावला और भज्जी को जाने दिया है, उसके बावजूद देयर आर स्पिन हैवी यूनिट रिमेंबर, और फास्ट बॉलिंग में उतना दम नहीं है, मतलब है, दीपक चाहर है, शार्दुल ठाकुर है, सैम करन है, लुंगी एंगिडी, ड्वेन ब्रावो, बट देन जॉश हेजलवुड, बट इज दैट गोइंग टू बी इनफ, व्हाट विल बी द आइडियल बैलेंस, क्योंकि मुंबई में रन भी ज्यादा बनाने पड़ते हैं, अगर आप फर्स्ट इनिंग्स का विनिंग स्कोर देखें तो नियरली 180 के पास पहुंच जाता है, तो वहां के लिए तो फिर डिफरेंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी। आई पर्सनली फील दैट इट इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स को देखें जो मुंबई में उनके पहले 5 मुकाबले हैं, अगर इसमें से 3 जीत गए ना तो मैं कहूंगा बहुत बड़ा काम कर लिया, उन्होंने किला फतेह कर लिया, हो सकता है ये 2 ही जीत के साथ आगे पहुंचे, और ये जो पहला लेग है दिस इज गोइंग टू हर्ट देम बैडली, तो मेरा एक ये छोटा सा प्रेडिक्शन है कि दे माइट नॉट स्टार्ट वेरी वेल, इट इज अ पॉसिबिलिटी, आई वोंट बी सरप्राइज, दैट्स वन। दिल्ली जाके दे शुड बी ऑलराइट, क्योंकि दिल्ली का छोटा सा मैदान लेकिन वहां स्पिन बहुत होती है, वह टर्न होती है, नीचे रहती है, तो यहाँ पे इनकी जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उनको सूट करने वाली है पिच, और तब तक ये तैयार भी हो जाएंगे, सो दिल्ली दे विल बी फाइन। बेंगलुरु के लिए इनके पास बॉलिंग नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट, बेंगलुरु इज बैट वर्सेज बैट कॉन्टेस्ट, और वो जो आपके पास बोलिंग का फायर पावर होता है ना वो चेन्नई के पास नहीं है, और इनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें इस मैदान को उतना अच्छा नहीं है, सो बेंगलुरु इज गोइंग टू हर्ट देम अगेन। कोलकाता इवन स्टीवंस, हालांकि ये भी हाई स्कोरिंग ग्राउंड हो गया, ये भी पेस फ्रेंडली ग्राउंड हो गया, पर मुझे लगता है कि चेन्नई के थोड़े से काम जो है वो कठिन रहने वाले हैं। चेन्नई की बड़े बड़े चैलेंजेस क्या हैं, नाउ लेट्स डिविएट इन दैट डायरेक्शन। पहली बात तो जो अगर आप देखें सुरेश रायना, अंबती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्या कंपेटिटिव क्रिकेट भी खेल के नहीं आ रहे हैं, तो अगर आप कंपेटिटिव क्रिकेट तीन आपके पहले 6 बल्लेबाजों में से 3 अगर वो नहीं खेल रहे हैं कंपेटिटिव क्रिकेट, रविंद्र जाडेजा हैज बीन इंजर्ड, वो भी बाहर है, तो आपके टॉप 7 में से 4 खिलाड़ियों के पास ना तो कोई फॉर्म है ना ही करंट इंटरनेशनल क्रिकेट का वो कहते हैं गेम टाइम, वो कंपेटिटिव क्रिकेट का गेम टाइम वो है ही नहीं। अगर ये रॉबिन उथप्पा को भी खिला लेते हैं तो उनके तो चलो फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट के आंकड़े अच्छे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ के अच्छे हैं, फैब डू प्लेसी विल बी फाइन, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 4, दैट विल बी अ चैलेंज, हिटिंग द ग्राउंड रनिंग विल बी अ चैलेंज, क्योंकि जब आप शुरू में मुंबई में आते हैं ना ब्रीदिंग नहीं, आपको समय नहीं मिलेगा कि आप ब्रीद कर लीजिए, आप आराम से खेल लीजिए, आपको 180 बनाने उसके लिए सबको मारना पड़ेगा, शुरू से मारना पड़ेगा, लगातार मारना पड़ेगा, दैट इज समथिंग आई सी गोइंग अगेंस्ट देम, तो ये एक समस्या रह सकती है।
दिल्ली के मैदान तक जाते जाते अगर ये 3 विन के साथ गए तो दे विल बी वेरी वेल प्लेस, अगर 2 विन के साथ गए तो दे विल बी स्टिल सर्चिंग फॉर आंसर्स, और उम्मीद मैं करूंगा कि अच्छा करें और रविंद्र जाडेजा को थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रमोट करें, थोड़ी सी बैटिंग ज्यादा कराएं, महेंद्र सिंह धोनी भी अच्छा खेलें, पर सुरेश रैना इज अ क्रिटिकल कॉग, अगर तो इफ ही हिट्स द ग्राउंड रनिंग चेन्नई विल बी फाइन, लेकिन अगर कहीं वो ऊंच नीच रहती है क्योंकि क्रिकेट बहुत समय से नहीं खेले हैं तो फिर चेन्नई I feel will struggle this season. That's not a good thing. इनकी 11 देते हैं, ideal 11 क्या हो सकती है शुरुआत में, and then we'll move towards रविचंद्रन अश्विन. जो ideal 11 मेरे विचार में आप ऋतुराज गायकवाड़ के साथ Faf du Plessis को ऊपर रखिए, अंबती राइडू नंबर 3 पर, सुरेश रैना नंबर 4 पर, धोनी को मैं रखूंगा नंबर 6 पर, नंबर 7 पे रविंद्र जाडेजा. तो अब आपके पास मतलब ठीक ठाक नहीं सॉरी ऋतुराज गायकवाड़, Faf du Plessis, अंबती रायडू, सुरेश रायना, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जाडेजा एट 6, एट नंबर 7 आई विल हैव सैम करन, तो नंबर 7 पे सैम करन, उसके बाद आप 4 गेंदबाजों को खिलाइए, 6 गेंदबाजों के विकल्प के साथ आप उधर सकते हैं दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, जॉश हेजलवुड, मैं जॉश हेजलवुड को जरूर खिलाऊंगा, और एक स्पिनर अब आप मिचेल सैंटनर को भी खिला सकते हैं क्योंकि ओवरसीज का कोटा आपका भी बचा हुआ है, क्योंकि करन, फैफ और जॉश के अलावा आप एक और को खिला सकते हैं, तो मैं तो ब्रावो की तरफ भी नहीं जाऊंगा एक्चुअली, आई माइट जस्ट एक्चुअली गो टुवर्ड्स अ स्पिनर, बट दैट्स व्हाट आई फील, कृष्णप्पा गौतम मे बी ही कुड बी दैट गाय, मोइन अली की इस टीम में शुरू में शायद जगह ना बने क्योंकि मुंबई वानखेड़े में मुकाबले हैं, दिल्ली में शायद खेलते हुए नजर आए. अब दैट्स अबाउट इट फॉर द चेन्नई सुपर किंग्स, बताइएगा कि आपकी क्या राय है, क्या चेन्नई इस बार फिर उड़ने वाली है, क्या किंग्स को विंग्स लगने वाले हैं, व्हाट डू यू गाइस फील, बट नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट डू यू गाइस फील कि क्या रविचंद्रन अश्विन को व्हाइट बॉल क्रिकेट में वापस आना चाहिए, फैंस इंडिया से पूछ लेते हैं, डिबेट चल रही है ओपन माइक में. हेलो एंड वेलकम टू फैंस इंडिया, मैं हूं राजुल शर्मा और आज हम बात करेंगे रविचंद्रन अश्विन की. T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है इंडिया में और हमारा आज का डिस्कशन टॉपिक है कि क्या अश्विन को टीम इंडिया की शॉर्टर फॉर्मेट टीम में वापस आना चाहिए, स्पेशली T20 टीम में. मंजुल आपसे शुरुआत करते हैं, आपका क्या कहना है? मेरा मानना है कि आर अश्विन को वापस आना चाहिए क्योंकि वो रेड हॉट फॉर्म में है, अभी आपने रिसेंटली टेस्ट सीरीज में देखा उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, हमारे करंट स्पिनर्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें एक एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत है जो कि आर अश्विन हो सकते हैं. आर अश्विन की परफॉर्मेंस लाजवाब है करंटली, 400 से ज्यादा विकेट वो टेस्ट में ले चुके हैं तो उनकी प्लेस बनती है T20 टीम में भी, ये कहना है मंजुल का. आप क्या कहेंगे राहुल? आप क्या? मेरा ये मानना है कि हमें जो अभी जो कॉम्बिनेशन है उनको साथ में लेके चलना चाहिए, वर्ल्ड कप नजदीक आ रहा है, अभी वर्ल्ड कप के 6-8 महीने के लिए हम प्लेइंग 11 से छेड़खानी नहीं कर सकते, फिर अश्विन को बुलाना ही है, अगर अश्विन को टीम में ले लिया तो उनको 15 में रख के कोई फायदा नहीं है, तो मेरा मानना है कि अभी की जो कॉम्बिनेशन है उनको बैक करना चाहिए क्योंकि एक सीरीज के हिसाब से हमें प्लेयर को जज नहीं करना चाहिए, उनको और मौके देके उनको बैक करना चाहिए क्योंकि ताकि उनका कॉन्फिडेंस है और वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्म कर सके. बात सही बोली है राहुल ने कि जो टीम अभी जो हमारे इंडियन स्पिनर्स वीक लग रहे हैं, स्ट्रगल करते हुए लग रहे हैं, हमें ओपोजिशन को भी देखना चाहिए. इंग्लैंड एक बहुत जबरदस्त टीम है, नंबर 1 टीम चल रही है राइट नाउ, तो उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे एकदम टीम को चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है. उम्मीद आप क्या कहेंगे? नहीं, सही कह रहे हैं राजुल, हमें नी जर्क रिएक्शन नहीं करना है, सोच समझ के हमें लेना है. अश्विन एक प्रूवन बॉलर है, प्रूवन वॉरियर है इंडियन टीम के लिए फॉर द लास्ट 10-11 साल से, और हाँ एक कदम पीछे लेके हमें 2 कदम आगे लेना चाहिए वो भी जरूरी है, तो अश्विन का एक्सपीरियंस, हिज गाइड विल ऑलवेज कम हैंडी फॉर अस, आना चाहिए उन्हें. बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस टीम इंडिया को काफी हेल्प करेगा T20 में, बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, चौके छक्के लग जाते हैं, प्रेशर बन जाता है बॉलर्स के ऊपर, ऐसे टाइम में अश्विन अपनी कामनेस, अपनी एक्सपीरियंस दिखा सकते हैं टीम इंडिया को. हमारा ये कहना है कि IPL में, इस होने वाली IPL में अगर अश्विन अच्छा खेलते हैं तो उनकी जगह सीधा T20 टीम में बनती है. देखिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, क्या आप आएंगे? मुझे लगता है अभी नहीं आ पाएंगे. क्यों? क्योंकि किसकी जगह आएंगे भैया? वॉशिंगटन सुंदर अच्छा कर रहे हैं, रविंद्र जाडेजा जब आएंगे खेलेंगे? अभी तो यूजी चहल कुलचा को साथ में खेलने का मौका नहीं मिल रहा, कुलदीप यादव को, वरुण चक्रवर्ती वेट कर रहे हैं, कृणाल पांड्या ने ठीक ठाक कर दिया, अक्षर पटेल लाइन में खड़े हैं. मुझे नहीं लगता कि रविचंद्रन अश्विन का अभी नंबर आने वाला है, दिस इज जस्ट माय फीलिंग. कमेंट का सेक्शन आपके लिए, भैया भर दीजिए और बता दीजिए कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आएंगे या नहीं आएंगे, बिकॉज दैट्स अ बिगर क्वेश्चन. अब ट्रिविया कितने लोगों ने गेस किया था बताओ, आपको लगा था कि कौन है ये आखिरी खिलाड़ी? चेन्नई सुपर किंग्स का खिलाड़ी है, नाम है इसका रविंद्र जाडेजा, सर रविंद्र जाडेजा. तो सर जाडेजा का जादू जो है वो बड़ा सर चढ़ के बोला है, ही वाज द लास्ट इंडियन टू स्कोर 1000 रन, 50 कैचेस, 50 विकेट्स इन ODI क्रिकेट, सो वेल डन रविंद्र जाडेजा. इनका सीजन अगर अच्छा हो गया ना,
कप्तान को थोड़ा सा और विश्वास जताना पड़ेगा इनमें, बहुत नीचे बैटिंग कराते हैं, ऊपर बैटिंग कराओ, इनको थोड़ा फ्लोटर करके ऊपर भेज दो, छह पे तो मतलब लास्ट है, अगर मौका मिले ना चार पांच पे करा दो, करा देगा लड़का काम कर देगा, फील्डर भी अच्छा है। चलो एनी हाउ दैट्स अबाउट इट, कल दूसरी टीम की करेंगे बात, चेन्नई की कर ली, मुंबई की करेंगे, फिर कोलकाता, सब टीमों की करनी है बात, यहीं पे होगी। दैट्स माय कहानी ऑन हैशटैग आकाशवाणी। जाते जाते आपके शॉर्ट्स मेरी आकाशवाणी, कमेंट सेक्शन भर देना, अपने प्रोफाइल पे इसको पिन कर देना और शेयर करना दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे। आई थिंक यू शुड डू दैट। तैयार है? ये स्टंप्स के पीछे, ये स्टंप्स के आगे, घूमे फिरे और गेंद को भेजा बहुत दूर घूमने फिरने के लिए।